फिर गोली चलाएंगे, बैन हटते ही बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने दोबारा दिया विवादित बयान। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने चुनाव आयोग की ओर से लगाए गए 2 दिन के प्रतिबंध के हटते ही एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। गुरुवार को ही उन पर 48 घंटों का बैन खत्म हुआ था, उसके तुरंत बाद एक रैली में उन्होंने फिर से कुछ बिहार फायरिंग को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। उत्तर 24 परगना में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल सिन्हा ने कहा कि यदि केंद्रीय बलों पर हमला हुआ तो वे फिर गोली चलाएंगे। यदि केंद्रीय बलों पर हमला होता है और लोगों को वोट डालने से रोका जाता है तो फिर केंद्रीय बलों को फायरिंग करनी चाहिए। राहुल सिन्हा ने कहा कि ऐसी स्थिति में केंद्रीय बलों को फायरिंग करनी चाहिए, इसमें यह मायने नहीं रखता कि कौन मरता है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों का प्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए कि मतदान शांतिपूर्ण और हिंसा से मुक्त रहे। इससे पहले कुछ बिहार हिंसा पर भी उन्होंने विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद आयोग ने उन पर मंगलवार दोपहर 12 बजे से गुरुवार 12 बजे तक के लिए 48 घंटों का बैन लगाया था। दरअसल 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चौथे राउंड की वोटिंग में कुछ बिहार के सितालकुची में मतदान केंद्र के बाहर एक भीड़ ने केंद्रीय बलों के जवानों पर हमला कर दिया था। इससे बचाव के लिए CISF की ओर से फायरिंग की गई थी, जिसके चलते 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच TMC ने राहुल सिन्हा के बयान पर हमला बोला है। TMC नेता और प्रदेश के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक ने कहा कि इस शख्स के लिए इंसान के जीवन की कोई कीमत और सम्मान नहीं है, वह बेकार की बातें करते हैं, वह जानते हैं कि हारने वाले हैं, इसलिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। हम TMC से उनकी शिकायत करेंगे और मांग करेंगे कि एक बार फिर उन्हें बैन किया जाए। हमारी मांग है कि 29 अप्रैल तक के लिए उन्हें बैन किया जाए, जब तक कि चुनाव नहीं निपटते हैं वह पब्लिक के बीच बोलने के लायक नहीं है।